कपिल के शो के कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर की जिंदगी एक ट्रेजेडी स्टोरी लगने लगी है। गायब होने की खबरों के बाद सिद्धार्थ सामने आए और अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब फिर से उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सिद्धार्थ ने sportboy.com से हुई बातचीत में कहा कि वो पिछले 4 महीने से पागलखाने में थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिद्धार्थ को एक अनजान लड़की कुछ टैबलेट देती थी, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वीडियो पोस्ट में सिद्धार्थ ने अपनी माँ पर गंभीर आरोप लगाए थे और इंटरव्यू में अपनी माँ का बचाव करते नजर आए थे। सिद्धार्थ का कहना है कि उनके पेरेंट्स उनके खिलाफ नहीं थे, उन्हें बस पैसे चाहिए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सिद्धार्थ माँ के डर से अपनी बात से मुकर रहे हैं। बता दें कि सिद्धार्थ के दोस्तों ने उनकी माँ पर किडनैपिंग करने तक के आरोप लगाए थे। साथ ही ये भी कहा था कि सिद्धार्थ अपनी माँ से बहुत डरते हैं, जो अक्सर उन्हें मारती पीटती है। अब देखना होगा कि जल्द ही मीडिया के सामने आने की बात कह चुके सिद्धार्थ और क्या खुलासा करते हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।